हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो आज आप लोग के लिए एक और एटोनस का नया वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस बारे में बताने वाला आप लोग को कि कैसे आप लोग एटोनस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये आप लोग देख रहे जैसे प्रॉब्लम आ रहा, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, कुछ आप लोग को रूल फॉलो करना होगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग को इधर डिस्कॉर्ड में आ जाना। डिस्कॉर्ड में एमसी फ्री में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एटोनस क्यूज वेटिंग टाइम मिलेगा आप लोग को। तो उस टाइम के हिसाब से आप लोग का ये मतलब होता है कुछ, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 5 to 7, 5 से 7 बजे तक कोई क्यूज नहीं रहेगा, मतलब आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और 7 बजे से 10 बजे तक 10 मिनट का आने का चांस है, बहुत कम आने का चांस होता है। और इधर 10 से 1 PM तक 30 मिनट का आने का चांस है, कभी कभार नहीं भी होगा, कभी कभार 30 मिनट आएगा। और उसके बाद आप लोग का आएगा 1 से 3 PM, यहाँ पे आप लोग का 20 मिनट से 50 मिनट अंदर आएगा, यानी कि आपका उस टाइम पे आप लोग का सर्वर मतलब ये रहेगा, क्यूज में रहेगा, टाइमिंग पे आप लोग का आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग को इधर 3 to 10 PM आप लोग को 30 to 60 यानी कि हायर रहेगा आप लोग का, बहुत ज़्यादा उसमें टाइमिंग अभी रहेगा, यानी कि सर्वर चालू नहीं हो पाएगा। और 10 से 12 बजे के बाद वापस आप लोग का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मैं एक बार दिखा देता आप लोग को। तो अभी बज रहा है 2:21 हो रहा है, तो आप लोग को दिखा देता हूँ 2:21 सुबह का मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सर्वर स्टार्ट कर किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस टैब से आया था और यहाँ पे देख सकते हैं 26 मिनट का यहाँ पे दिखा रहा है क्यूजिंग। और वैसे ही मैंने और भी टाइम पे करके देखा है, और उस हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ टाइम को। इस टाइम पे आप लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं सुबह को, आराम से सुबह से, तो सुबह का 5-4 बजे से आप लोग लेके 10 बजे तो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ 7 बजे से 10 बजे के अंदर का, तो ये है मेरा 7 बजे से 10 बजे का अंदर का, ये देख सकते हैं मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया था 7 बजे से 10 बजे के अंदर में। मैंने सर्वर स्टार्ट किया था तो मेरा आराम से स्टार्ट हो गया था, और ये देख सकते हैं स्टार्ट आप लोग को पूरा मैं दिखा देता हूँ। सर्वर जब तक स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बोले कहीं ये फेक है तो इसलिए मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, कोई पोज नहीं किया मैंने यहाँ पे। और ऐसे न्यू अपडेट मिलने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में डिस्कॉर्ड में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप लोग को ऐसे टाइम टेबल को रखना है तो मेरे डिस्कॉर्ड में वहाँ पे पिन क्या हुआ तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सर्वर लगभग स्टार्ट हो ही गया हम लोग का, तो वर्ल्ड लेवलिंग गया, पेइंग स्टार्ट। टाइम रिस्टार्टिंग हो गया हम लोग का सर्वर स्टार्ट, ये देख सकते हैं सर्वर हम लोग का स्टार्ट हो गया। और उसी तरह से मैं आप लोग को ये दूसरा दिखाता हूँ 3 बजे से 10 बजे तक का, इसमें आप लोग का सर्वर बहुत ज़्यादा हाईली रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार सर्वर आप लोग को दिखा देता हूँ, 7 बज के हो रहा है, रात का है, 7:05 हो रहा। तो यहाँ पे मैं अपना सर्वर को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 घंटा 10 मिनट कम है, 1 घंटा का यहाँ पे दिखा रहा पूरा। तो इसी तरह से आप लोग ऐसे इसको ठीक कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग और भी ऐसे, चाहे तो VPN के थ्रू आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर और भी ऐसे न्यू VPN के थ्रू भी कुछ कुछ होते हैं, कभी कभी काम हो जाता है कि सर्वर स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी नहीं होते किसी कारण। तो इसी तरह से आप लोग सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को जल्दी से पता करना है कि जैसे सर्वर स्टार्ट हो जाए मतलब एटोनस ठीक हो जाए, तो नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे न्यू तरह का वीडियो लेके आऊंगा। बाय बाय।